हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम, जो जेईई मेन 2016 में 3 अप्रैल को ऑफलाइन एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है। रिसेंट प्रॉब्लम क्या है उसको देखते हैं। द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव होल पावर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू वन। ठीक है, हमें समय करना है कि x के रियल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। देन वी हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल दोज रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक, स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जब ये प्रॉब्लम उस टाइम आया था 2016 में आया था, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने इस प्रॉब्लम को गलत सॉल्व किया हुआ था। उसके पास उसका एक रीजन था, क्योंकि आपको क्या है कि प्रॉपर एक जानकारी ना होना, मतलब कुछ आपने जब सॉल्व किया था तो आधा कैलकुलेट कर लिया था और आधा कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ कंसेप्ट। अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं, उसमें क्या कंसेप्ट है इस बात को भी आप समझिए। अब इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ। प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव होल पावर में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू वन। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है ना, उसका वैल्यू वन आ रहा है। ओवरऑल का वैल्यू अगर वन आ रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। केस वन, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो पावर वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्सटी, ये वाला पार्ट जीरो हो जाए। ठीक है, अगर मान लो कि ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट अगर जीरो हो गया, डिनोमिनेटर कुछ भी क्यों ना हो, मीन्स ये ऑलवेज कैसा बनना है, हमेशा वन ही बनना है ना। उसके आप फैक्टर करते हैं, तो उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, तो क्या फैक्टर आ जाएंगे, एक्स प्लस टेन इंटू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ सकता है माइनस टेन, या फिर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है ना। केस टू डिस्कस करते हैं, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर मान लो कि ये जो बेस है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव, अगर मान लो इसका वैल्यू वन हो जाए। ठीक है, अब इसका वैल्यू वन हो जाए तो जो पावर वाला पार्ट है, एक्चुअली कुछ भी हो जाए, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, मीन्स ठीक है। और जो पावर वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्सटी, ये किसी को भी बिलोंग करे, मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑलवेज इसकी वैल्यू कितनी आनी है, अगेन वन ही आनी है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो आ गया ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, इसके जब फैक्टर करो तो क्या फैक्टर आ जाएंगे, x माइनस वन और x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा ना। अब यहाँ से जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू वन आ जाएगा और x का वैल्यू फोर आ जाएगा, मतलब x की यहाँ से दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जनरली क्या किया होगा स्टूडेंट ने, एक्चुअली इन दो कंसेप्ट को तो लगा लिया, मतलब दो केसेस को तो फॉलो कर दिया, केस वन और केस टू। तो केस थर्ड वो हमेशा भूल जाते हैं, केस थर्ड को कैसे आपको ध्यान रखना है, एक और केस क्या पॉसिबल हो सकता है, केस थ्री उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव, अगर मान लो कि बेस जो है वो माइनस वन हो जाए एंड जो पावर वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्सटी, ये वाला पार्ट कैसा बन जाए, अपना इवन हो जाए। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट अगर इवन हो गया तो इन दैट केस में तो क्या रहेगा, ये वाला एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। ठीक, अब क्या मैक्सिमम टाइम करते क्या स्टूडेंट, इस वाले केस को रहने देते हैं और इस वाले केस को जब वो छोड़ देते हैं, तो अगर इन्हीं दो केसेस अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इस वाले केस को ध्यान रखना है, क्योंकि हम इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं ना कि फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम फंक्शंस के बारे में बात कर रहे होते तो ए पावर एक्स, तो यहाँ पर जो बेस होता है वो कैसा होता है, एग्जैक्टली पॉजिटिव होता है, मतलब वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, पर अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। इक्वेशंस का जो बेस होता है वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, कैन बी नेगेटिव। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखिए। तो हमने ये किया, बेस का वैल्यू माइनस वन ले लिया और जो पावर है उसका वैल्यू अगर इवन हो जाए, ठीक है, एंड ये पावर इवन आ जाएगा, तो अगेन ये क्या रहेगा, इसका जो वैल्यू है वो वन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। और स्टूडेंट इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर आ जाएंगे एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, दैट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, या फिर x का वैल्यू क्या रहेगा,
थ्री हो जाएगा। तो एक्स की यहाँ से दो वैल्यू जा जाएंगी। ठीक है, अब बात ये कि दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं होंगे, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे कि ये वाला पार्ट भी कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, एक्स इक्वल टू का टू आप यहाँ पुट करते हो, तो टू पुट करने पर फोर बनेगा, यहाँ पर 16 बनेगा, माइनस 16। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ध्यान से कि ये वाला पार्ट कैसा इवन है। तो इवन है तो इवन इक्वल टू इवन पॉसिबल है, मतलब ये वैल्यू पॉसिबल है, एक्स इक्वल टू पॉसिबल है। अगर मैं एक्स इक्वल टू थ्री यहाँ पुट करता हूँ, तो थ्री पुट करने पर क्या आएगा, नाइन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, थ्री यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 यहाँ बनेगा, माइनस 60। और ध्यान से देखो तो डिफरेंट ये वाला पार्ट कैसा लिखा हुआ, ऑड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का मिक्स से फाइनली इवन हो गया, और यहाँ से सबट्रैक्ट कराओगे तो ऑड आ जाएगा। ऑड कभी भी इवन के इक्वल नहीं होगा, तो इट मीन कि एक्स का जो वैल्यू है एक्स प्लस थ्री, ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको अभी बात मालूम चलेगी कि यहाँ पे जो केस थर्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस वाले केस को ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। अब हमें क्या करना है, केस वन, केस टू या तो केस थ्री से जो जो एक्स की वैल्यूज आ रही है उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो केस वन के अकॉर्डिंग क्या है, या तो केस वन पॉसिबल रहा होगा, या फिर केस टू, या फिर केस थ्री। केस वन के अकॉर्डिंग अगर जो वैल्यूज आ रही है, तो वो वैल्यूज क्या आ रही है, मैं यहाँ लिखता हूँ, केस वन के अकॉर्डिंग वैल्यूज आई माइनस 10 और 6 आ रहा है। ठीक है, तो केस टू के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज आ रही है, एक्स की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 1 आ रहा है और 4 आ रहा है। ठीक है, और केस थ्री के अकॉर्डिंग वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो केस थ्री के अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, सॉरी। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई ना, मुझे करना क्या है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स मुझे फाइंड आउट करना है। इन सबका मुझे सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन सबका सम कितना आ जाएगा, 6 प्लस 4 10 यहाँ से आ गया, 13 यहाँ आ गया, 13 माइनस 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो डेस्ट देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन बी दे रखा है, इसका ऑप्शन कितना है, 3 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन आ गया। ओके स्टूडेंट, होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी क्लियर है ना। ठीक है, एक अच्छा प्रॉब्लम था, इसको आपको अच्छे ढंग से ट्राई करना था। अगर आपको प्रॉपरली कंसेप्ट नहीं मालूम है, तो इस प्रॉब्लम के गलत होने के एकदम श्योर शॉर्ट चांसेस हैं, मतलब 100% चांसेस हैं कि इस प्रॉब्लम को मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करेंगे। सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को सही कर पाएंगे, और वही स्टूडेंट सही कर सकते हैं जिन्हें थर्ड कंसेप्ट, थर्ड केस थर्ड का कंसेप्ट मालूम होगा। ठीक है, कहीं वो इस वाले बात में कन्फ्यूज नहीं करें कि यहाँ तो ये भाई बेस कभी भी बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, बेस नेगेटिव हो सकता है इन केस ऑफ इक्वेशन, अगर फंक्शन के बारे में बात कर रहे होते तो फिर ये बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। होप आपको मेरी बात क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।